मुरादाबाद के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित IFTM विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज की एक दिवसीय वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस एक दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ IFTM विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल, कुलपति प्रोफेसर MP पांडे के साथ रजिस्ट्रार संजीव अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता के संदेश देने का काम भी किया गया, जहाँ पर सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और सभी विद्यार्थियों की द्वारा दिए गए संदेशों की सराहना भी की। इस दौरान कुलाधिपति राजीव कोठीवाल का ये कहना है कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए संदेशों की जितनी भी सराहना की जाए वे कम है और हमें आशा नहीं पूर्णतः विश्वास है कि इनकी कलाओं की वजह से हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ने का काम करेगा। आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को द्वारा दिए गए संदेशों को लेकर हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। राजीव कोठीवाल ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय में लगातार विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई का माहौल देने के साथ साथ उनकी हर गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। उद्देश्य भी यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं। सिटी चैनल से बात करते हुए कुलाधिपति राजीव कोठीवाल ने कहा, देखिए इसमें बहुत जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वेरी गुड, उसके कमर्शियल यूज़ फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल करना है, बहुत पोल्यूशन है इंडस्ट्री की वजह से, ट्रेन्स की रेलवेज की सेफ्टी के लिए है, एनर्जी क्लीन एनर्जी के लिए है, बस जितने भी आपके हैं इसके कमर्शियल यूज़ अब और फ्यूचर के लिए वेरी हैंडी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट हम अपने यूनिवर्सिटी में करें और अगर उसके बाद वी विल सपोर्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम राइट शुरू से और आखिर तक, इसका कमर्शियल यूज़ हम चाहेंगे ये हो, क्योंकि ये नेशन के लिए और इंडिया के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी देंगे, इसमें सेफ्टी प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं और सोलर एनर्जी के। क्या मानते हैं सर, जितने भी मैसेज दिए गए यदि उनका प्रयोग किया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ये बहुत अच्छे यूज़ है, ये 10 साल आगे सोच रहे हैं और हमारी इनकी शुभकामना है कि ये सक्सेसफुल हो। इसमें यूनिवर्सिटी का नाम होगा और यूनिवर्सिटी बच्चे ही होते हैं, हम लोग तो दे आर द यूनिवर्सिटी, पिलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। कार्यक्रम में IFTM विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर इंतजार मेहंदी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष भर किए गए कार्यों की आज प्रदर्शनी विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई है, जहां पर विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये देखा गया है कि विद्यार्थियों ने मेहनत की है और उनकी मेहनत इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई दे रही है। सर, ये एक प्रोग्राम हमारा है जो हर साल होता है, इसका नाम है टेक्नोवेंजा,
और इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर में बनाते हैं उसका ये एक तरह का एग्जीबिशन करते हैं। ये हर साल होता है इसमें, और इसमें करीब अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और जिसका उन्होंने एक एग्जीबिशन किया हुआ है। साथ में उन्होंने अलग अलग तरह के पोस्टर्स वगैरह भी, जो टेक्निकल पोस्टर्स कहते हैं, उसको भी साथ में लगाया हुआ है। इसका उद्देश्य सर एक तो यह है कि फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग के, उनके लिए प्रोजेक्ट मस्ट होता है। इसके साथ ये है कि इन बच्चों को अपना कौशल दिखाने का एक अलग से मिल जाता है मौका, और आप जैसे लोग हमारी इनकी चीज़ों को न्यूज़ वगैरह में पब्लिश भी करते हैं, इन बच्चों को आगे इस सर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आगे भविष्य में इनके बहुत कामगर होने वाले हैं, काम इनके काम आने वाले हैं। तो उसका पर्पज़ है कि तो अपना इन्होंने दिखाया कि साहब जो हमने काम किया है वो सबको पूरी यूनिवर्सिटी हमारी आएगी आज देखेगी, तो इनके जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की है वो आगे तक जाएगा।